कुमार जी का बर्थडे है एंड कुमार जी अभी तक आए नहीं है. द बर्थडे बॉय इज नॉट कम एंड कुमार जी इज लाइक माई फैमिली. एंड मेरी जब पहली फिल्म थी ये दूरियाँ एंड तब उन्होंने मेरे लिए गाना लिखा था. सो इट्स अ वेरी स्पेशल बॉन्ड वी शेयर. ऑब्वियसली आई हैव टू बी हियर एंड सी आई एम अर्ली. सो कंग्रेचुलेशन टू हिम एंड कंग्रेचुलेशन टू दिस न्यू प्लेस. आई यूज़ टू कम हियर वेरी ऑफन बट द नेम इज चेंज्ड. सो इट्स अ नाइस प्लेस एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. Right now I'm shooting for Na Umr Ki Seema Ho, which comes on Star Bharat Monday to Friday 8:30. So which is, and I'm playing a positive role very first time. I'm playing Satyavati in that. So I'm very excited क्योंकि last जो show किया था वो अपना character इतना peak पे था रंजू की बेटियाँ, तो ऐसा लगा था इसके बाद क्या होगा. And I'm so thankful that Star Bharat and team thought that I can play positive also. And people are liking it, so I'm very happy. And thank you to all my audience for loving me. See, I came with the new thing every time, so this time I came with the positive thing for you. अभी तो time नहीं मिलता करने के लिए, but I like झलक. I'll on and off keep watching. जब भी time होता है, क्योंकि dance reality show and music reality show is my favorite. So yes, I'll watch. इनका नाम भी तस्वीर में आना चाहिए. खुद ही पकड़ो यार. मैं अरे कौन है अमित? कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा. कहाँ रखा जाए? मैं आई थी. यस सुनो जी प्लीज. मैंने हाजिरी दे दी. यही खड़ी हूँ, आप खत्म करो. मैं यही खड़ी हूँ. बोलिए सबको लेकर अंदर चलो. तुम ही आ रहे हो, मैं तो नहीं आ रही है. देखा मेरे बाद इतना 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 फिल्टर लगाया कि गोरे लग रहे. आज तो गोरे लगने चाहिए ना. सामने देख के चौंक ना जाए पब्लिक. इतना फिल्टर. मुझे क्या पूछना चाहिए? मुझे क्या कीर्ति रुको. हिमांशु आओ ना इधर रुको. कीर्ति अरे बाजी एक तक अरे आ जा. हम आ रहे हैं. गोरे बीबी बल्ले बल्ले क्रिकेट हमारा. कितने सारे बच्चे लेके ऊपर. अभी अभी हम जा सकते हैं. अभी हम आ सकते हैं. इधर आओ यार. कितने आप पहले किसके लगे जाते हैं? भी आ जाओ यार. मेरे को आदत नहीं है पहली बार लगा मैं ऐसे करना. चलो रिक्शे का कम यू विल बी इन द पिक्चर. कीर्ति से मिला रिक्शे का तुम सी. अब हर फ्रेम में आप हर फ्रेम में कॉमन है ना. मैं बात मेरा
आओ भैया लुक 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 यार आप जाओ आप खड़े रहो कॉमन है आप ये फ्लाइट है इतने उमदा में मिलके जाता उल्टा तुम भी आ जाओ बेटे कल को बोलोगे ये नहीं हुआ वो नहीं आ जाओ कुमार पाजी तो आई थिंक पॉप कल्चर लेजेंड है मैं इनको हिट मशीन कहूँ या दूसरों क्या कुछ भी बोल सकते आई थिंक ही हैज ऑन द पल्स ऑफ द कंट्री व्हेन इट कम्स टू पॉप कल्चर और दूसरी बात यह है कि ही इज द मोस्ट दिलदार जेनरस लविंग गाय और ऐसे आदमी बहुत रेयर हैं जो इंडस्ट्री में सोना महापात्रा के लिए खड़े होके बोल सकते हैं कि ये गाएगी तो रेवोल्यूशन हो जाएगा बहुत लोग शर्माते हैं या डरते हैं टू स्टैंड अप फॉर अदर्स कुमार इज नॉट वन ऑफ देम तो मेरे तो बहुत आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ कुमार अपार्ट फ्रॉम ही इज ट्रूली आर्टिस्ट दिल के भी हैं और काम से तो है ही नैना नु पता अब गाना क्या था ये गाना नैना दिखता है सानू के सिगरदी पे मिलदी सजा है तो नींद उठे जावे और जब अमाल के साथ ये गाना बना था तो आई थिंक वो शॉर्ट टर्म में बन गया ये ऐसे ही बनाते हैं मजे मजे में बिल्कुल मैजिकल ऐसे सटीक बात कह लेते हैं दिल की भी और दूसरी वाली की जो मैं लिखता हिट नहीं होता जो लिख हो जाता वो हिट होता दैट इज व्हाट ही इज आल्सो गुड बट हाँ पैंडेमिक खत्म हुआ है आई थिंक वी आर कमिंग टू सेलिब्रेट मैं तो जैसे थोड़ी डर गई मुझे आदत नहीं है अभी वो मीडिया और यहाँ पे खड़े होके बात करने की अभी 3 साल हो गए ना छूट गई आदत बट आई थिंक फॉर कुमार टू ब्रेक दैट इज ग्रेट दिस इज माई फर्स्ट आफ्टर 3 years हैप्पी बर्थडे कुमार थैंक यू यस दीवान आओ ना दीवान पर तुम भी आओ
ऐसे कैसे मेला में मेला मिल के लुटा दो चार शब्द जिन्ने बुरे है मेरे वास्ते बोलने तुसी बंद करता मैं गाने करने बंद कर पाजी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई है, खुश रहो, बाद रहो, सारी दुनिया को याद रखो, याद रहो शब्दों से तो आप जादू करो, आपका जादू है और इतने सारे गाने लिखे हैं आपने। दिवंग इधर आओ, दिवंग ये साथ में हो गए सब। थैंक यू एक्चुअली वो इतना टाइम नहीं है कि इतना कुछ समझा पाए कितनी क्वालिटीज हैं, इतनी क्वालिटीज हैं कि घंटा लग जाएगा, बट सबसे बड़ी बात है कि यारों का यार और अरे क्या बात है, ये देखो ये जो राइमिंग है ना, ये राइमिंग का जो पूरा गेम है, राइम बाजी हमारे ओमनी प्रेजेंट है, सबके दिलों में रहते हैं और इसका प्रूफ है हमारे गानों में, इनका जो प्यार है, हम लोग जो बॉम्बे में नए आए थे तो इन्हीं के प्यार की वजह से आज हमें जो है सिर्फ हमें नहीं हर किसी को सपोर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई वी ऑल लव हिम। मैं मेरे को तो कुछ नहीं आता था, मेरे को गुणी लोग चाहिए थे, मैंने अपने साथ रखने शुरू कर दिया। मैं भी सभी जितने आज पार्टी में देखेंगे आपको सबको पाजी ने आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, दैट्स द सिंपल। इसका मतलब मैं बूढ़ा नहीं हूं, मतलब फिर भी आशीर्वाद देने वाला। और ये पार्टी नहीं है, ये फैमिली गेट टुगेदर है। यस, गेट टुगेदर बर्थडे कहने के लिए, इसमें मेरा मकसद होता है कि जो लोग मुझे मिलकर सफल हुए हैं और जिनको मिलके मैं सफल हुआ उनको सेलिब्रेट करें, मतलब आप मुझे मनाओ मैं आपको मनाऊ, रूठा कोई भी नहीं यहाँ पे। क्या बात है, आपसे जाना चाहूंगी इंडस्ट्री में आप इतने टाइम से हो, आप इतने ग्राउंड पे हो, कैसा लगता है, मतलब कि आपने इतने यंगस्टर्स को आगे किया, लोगों को प्रोत्साहन किया, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, सो अभी आप जो अपनी जर्नी देख रहे हो, जब आपने स्टार्ट किया था तो कैसा महसूस किया? उतने माध्यम नहीं थे उस वक्त, उतने मीडियम नहीं थे इधर पहुंचने, अभी इंस्टाग्राम है, बंदा फॉलो इजी अवेलेबल है, बट मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए ना तो पैशन चाहिए हर बात में, पैशन नहीं है तो मेरा पैशन है, मुझे लगता है कि यार जो कोई मुझे मिलता है कंपोजर, मैं चाहता हूँ उसका कैसे काम बने, तो जो उसके लिए मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है वो लगा लेते थोड़ा सा। हम एक दूसरे के बगैर प्रोजेक्ट बनाते नहीं है, अच्छी बात। कई बार काम करते रिश्ते ना बियॉन्ड कंपोजर हो जाते हैं, मतलब हम ट्यून है ऑलरेडी, अगर ये धुन बना रहे हैं स्टूडियो में तो धुन मैंने सुनी नहीं है, कुछ मैं लिख के ला रहा हूँ, हम जब बैठते हो शायद वो एक दूसरे अपने आप ही बैठ जाते हैं कभी कभी, ऐसा इनके साथ ये काम करो तो ऐसा कभी हम काम वाली फीलिंग आज तक ना आई है ना आएगी, क्योंकि हम लोग बैठते हैं मजे करने के लिए और इनके साथ तो आप आदमी 24 घंटे इंडिया के बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं, पर ये करते नहीं, इनको बोलता रहता हूँ, बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल फनी आदमी है, बट ये एक अलग वाइब होती है इनके साथ, हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि कभी आएंगे और इनको खींच के लाना पड़ता है स्टूडियो, पीछे पड़ना पड़ता है तब आते हैं, और जब आते हैं ना तो उसके बाद फिर धमाल ही होता है।
मेरा फेवरेट तो हैंगओवर है क्योंकि पाजी का हमेशा हैंगओवर रहता है हमारे माइंड में. तो जब सलमान भाई के लिए हमें गाना लिखना था और हमने कहा पाजी कुछ ऐसा लिखो जो आपसे रिजेंबल करता है. सामने स्टूडियो के इनके हैंगओवर 2 फिल्म आई थी इंग्लिश. तो हम स्टूडियो में बैठे थे, मैं कहा बनमीत यार हैंगओवर पे गाना बनाते हैं. तो इन्होंने बोला पाजी शराब शुरू में बनेंगे, मैं शराब पे नहीं रोमांटिक गाना बनाएंगे. तो कैसे शब्द रखना है गाने में वो अदा होने चाहिए, लोगों ने पसंद किया. और रूटीन वाइज तो हिंदी लिरिक्स ही होते हैं, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया राइटिंग में, इंग्लिश वर्ड भी यूज किया, लोगों को पसंद है. अब हैंगओवर का मुझे हिंदी मतलब पता नहीं था ना, अच्छा नहीं पता था, मैं हैंगओवर लिखता नहीं. अभी काफी सारी फिल्म्स लाइन अप हो गई हैं और सिंगल्स भी बहुत आ रहे हैं, तो अगले 2023 तक आपको हमारा बहुत अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलेगा. जिमी बाजी भी आ गए, पाजी आज ज्वाइन करो है साथ में गैंग, एक गैंग पिक्चर हो जाए. पाजी आओ साथ, आ जाओ पाजी. जिंदा दिल इंसान है एंड ही हैज गिवन सो मेनी हिट्स एंड बस वी आर हियर फॉर हिम फॉर द सेलिब्रेशन. कोई गाना कौन सा गाना है पाजी ना जो आपको बहुत पसंद है? उनका गाना जो है दुआ जो भेजी थी दुआ, पाजी थोड़ी गाल बोली है जो भेजी थी दुआ. हेलो हाउ आर यू सर? सक्सेसफुल कर रहा हूं बेटा. Many happy returns of the day to my friend Kumar, a prolific songwriter with a heart of pure gold. I wish him lots of great success because he is a man who deserves great success. Bahut hi pyara insaan hai and I am proud to be personally present to wish him happy birthday on this joyous occasion. God bless you. कुमार इज लाइक अ ब्रदर टू मी, तो मुझे आना ही था और यहाँ पे नहीं आए तो फिर कहाँ जाएंगे. संगीत की महफिलें होती हैं यहाँ, म्यूजिकल माहौल, सभी फ्रेंड्स म्यूजिकल होते हैं, सिंगर्स, राइटर्स, और ये तो आना ही था. मेरी लाइफ के बेस्टेस्ट सॉन्ग. ओ बर्थडे बॉय कम हियर. बर्थडे बॉय. अच्छा, सो हमारा बादशाह शेर राइटर है. सोल जिसे कहते हैं ना, जब इनकी कलम चलती है तो
या आत्मा उसके ऊपर उतार देते हैं। और मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ के बेस्टेस्ट सॉन्ग ये मेरा छोटा भाई है, इन्होंने लिखे हैं, और मैं इनकी एज ए ब्रदर नहीं, एज ए आर्टिस्ट बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ब्रदर के साथ इनके कान खींचती हूँ। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो करोड़ों साल। खुश रहिए आप, बहुत 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 कामयाब रहिए। बाय। विपिन आप अपना बाइट कर लो पहले। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, पहले फोटो ले लो। आज आओ आओ, अच्छा पहले सोलो ले लो दोनों, यानी आ जाइए साथ में। अच्छा मैं भी आऊं। ओके ओके, थैंक यू हां। ये सबसे लंबा रिचा जी, रिचा जी आओ ना ये। अरे नहीं, एक ही साथ में आएंगे ना, ये भी बात है। अच्छा एक काम कीजिए, मेरा एक सोलो कुमार के साथ, फ्लावर के साथ ले लीजिए। एक मिनट, बाल बाल ठीक होना चाहिए। थैंक यू सो मच विपिन, आज आप तू ले ले। हाँ हंसी भी लगती, एक हो जाए फोटो। थैंक यू। बहुत खुश हूँ, और 7 बजे से नीचे मैं दरबान बन के खड़ा हूँ, सब व्यवस्था संभाल रहा हूँ, यही कर रहा है सब कुछ, और बहुत अच्छा लगा। कहते ना एक छोटा भाई जब व्यवस्था बनाता है, यार मेरे बड़े भाई का बर्थडे, मेरे गार्जियन ने पाजी पाजी हैप्पी बर्थडे टू यू। जर्नी और मेमोरी ही है, उसके अलावा तो पाजी के साथ कुछ नहीं है, और पाजी ने ही बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, और इन्हीं के नक्शे कदम में चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत सालों का रिलेशन है, जो जो गवाते गए गाता रहा, और जैसा कि पाजी बोलते हैं कि पाजी का आज बर्थडे नहीं है, इस सब के लिए सेलिब्रेशन है कि पाजी से जुड़ के कौन सक्सेस हुआ और पाजी किससे जुड़ के सक्सेस हुए। तो ये एक टीम है, सबका प्यार है, और उसका गेट टुगेदर है आज, और सेलिब्रेशन होगा। पाजी सिंपल नेचर के नहीं है, पाजी को जब कोई चीज़ बुरी लगती है तो पाजी डांटते हैं, और उससे क्या होता है बंदा ठीक रास्ते पे चलता है। ये पाजी की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। पाजी ने जो आज तक मेरा सुपर डुपर हिट गाना है राधे राधे, वो पाजी ने लिखा है। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां, ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। बस चल रही चीजें, काफी चीजें हो रही है शहर में ना, गारंटी इस चीज की नहीं होती, होती है तो एक मिनट में हो जाती है। अमित गुप्ता कभी नहीं रुकता। अरे ये तो भूल ही गया मैं, जो आज जिस नाम से मैं फेमस हूँ, कितना भी फेमस हुआ हूँ, अमित गुप्ता कभी नहीं रुकता, वो बाजी ने ही नाम दिया है। और इसकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, अगर इसमें खास बात है कि लोग मेहनत करते हैं, अगर ये दूर भी है ना हमसे, तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बैठ के कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कुछ ना कुछ करके रिजल्ट लेके आएगा। डॉन ऑफ डॉन्स।
I cannot say anything about Paji. He is the man because of whom my career took off. So, yani main inki daat aaj bhi khata hu. Kal bhi hum log jab bhi baat karte kidhar hai gadhe yahi hota hai mere saath abhi bhi. But for me, my whole journey began from Kumar Paji, his words, and because of him, I did Naina, Suraj Dua, pata nahi kitne, but jahan mere ko mujhe yaad hai, aisi ek party thi जहाँ कुमार पाजी को मैंने बहुत मुश्किल से ऐसे पकड़ लिया था. मतलब सर मेरा एक गाना लिख दो प्लीज. एंड तभी उन्होंने मेरे को बोला नॉट नाउ, एक डेढ़ साल बाद जब तुम अच्छा म्यूजिक करोगे तब मैं लिखूंगा. और एंड ही इज रिटन ऑल माय बेस्ट म्यूजिक सो आई लव इट. अभी इससे ज्यादा मुझे बोलना नहीं आता है. मैं हम लोग जा रहे हैं कमाल के राइम में. कमाल भाई एक फोटो ले लो. यही तो मजा है, ऐसे होना भी चाहिए. हेलो कुमार पाजी के बारे में हम लोग क्या कहें. हम लोग तो उनको देखते हैं, सुनते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं. हमारी खुश नसीबी है हमारे जैसे लोगों को बुलाते हो आज. सो यू नो हमारे लिए बहुत बड़ा एक यू नो मौका है उनसे मिलने का. ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिसिस्ट एंड म्यूजिशियन वी हैव इन दिस इंडस्ट्री. तो मुझे बहुत खुशी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उन्हीं लोगों से मैं मिलता हूँ, उन्हीं लोगों के साथ एक दिन रहने का मौका मिलता है. तो बस आज मैं इसीलिए आया हूँ. डांस मत लो देखे मेरी तो नहीं. एक क्वालिटी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जो है वो है, नहीं है वो नहीं है. नहीं. तो मैं पाजी को जितने साल से जानता हूँ मुझे ये पता है कि सच्चाई बोलेंगे और उसी से काम बनता है. हम लोग सब कलाकार हैं, अगर सच्चे रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे. तो यही है. कितने सारे अभी क्या है यार. बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ. लव रंजन आओ. ओके भाई किधर जा रहे. अरे क्या तुमने फिल्म में एडिट की हमारी. भाई छोटा ले नो क्या बोलना है भाई. कुमार पाजी का बर्थडे उनके बारे में क्या कहना चाहोगे. कुमार पाजी हमारे बड़े भाई हैं. ही इज द ओरिजिनल हिट मेकर एंड उनका जन्मदिन हर साल बड़ा एपिक होता है. तो इस साल भी पार्टी उन्होंने बहुत ही बढ़िया जगह पे रखी है. बैलेनो कॉकटेल बार यहाँ पे हम आए हैं एंड आई कांट वेट टू मीट द बर्थडे बॉय. बहुत ही बढ़िया क्रिकेट प्लेयर है वो एंड मेरी भगवान से प्रार्थना है वो बहुत अच्छा क्रिकेट लाइफ टाइम खेलते रहें. गाने तो अच्छा लिखते ही हैं. इस बारे में उनको नहीं कहूँगा. बट आई जस्ट वुड लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. कुमार पाजी का बर्थडे बहुत बड़ा दिन है. खुशी का बहुत माहौल है. देख रहे हैं आप बादल भी गरज रहे हैं. भगवान भी इतने खुश हैं आज उनके बर्थडे पे.
मैंने उनके साथ बहुत बहुत बड़े बड़े गाने करे हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैंने बहुत गाने गाए हैं, सूरज डूबा है, हाई हील से नचे, और उन्होंने मेरा सिंगल भी किया है कंगना ले दे, बेफिक्रा, इतने सारे गाने मैंने उनके साथ करे बड़े बड़े। कुमार पाजी को बहुत सारी दुआएं एंड बहुत सारा प्यार, एंड हमारा रिश्ता पुराना है और आगे तक चलता ही रहेगा। मेरे गाने ही उनके फेवरेट होंगे जो मैंने गाए हैं, वही सबसे फेवरेट होंगे। मतलब हो जा जरा मतलब दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी, सूरज डूबा है यारो दो घुट, नशे के मारो गम तुम भुला दो सारे संसार के। और सुनो गाने सब कुमार पाजी के। उनके साथ कोई कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला? 4-5-6 तो कर चुकी हूँ, अभी कोशिश करती हूँ, हम साथ में जिम भी जाते हैं, वो आए भी जिम मेरी जिम में है, तो कोशिश करूँगी कल से ही स्टार्ट करूँगी कि नेक्स्ट कोलैबोरेशन कब आए। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पाजी, लव यू, ब्लेसिंग्स देते रहें एंड खुश रहें और तंदुरुस्त रहें, और ऐसे ही कीप शाइनिंग एंड बीइंग अमेजिंग, इसी कमाल है। थैंक यू, थैंक्स जी का बर्थडे उनके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, कुमार पाजी का बर्थडे, अरे वो तो बाहर से पता चल गया कि इतना प्यार है उनका, और सब आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमें याद किया, और हम उनको बहुत प्यार करते हैं, और दिल से सबके साथ पूरी फैमिली के साथ हम उनको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे पाजी। इसी तरह तरक्की करते रहें, आपके अच्छे अच्छे गाने आते रहें फिल्मों में, आप हमें एंटरटेन करते रहें, और मुझे भी कभी मौका दें। सर उनके कोई फेवरेट गाने का तो बताइए, आप क्या? वो तो ठीक है, तू मेरा यार है। मैं कहा उनका गाना कहता है तेरा यार हूँ, वो तो अब कोई भी बात करे ना मुंह से तो उनका गाना होता है, कोई भी बात करे अगर, अरे वो तो ये भी उनका है ना, जो भेजी थी दुआ, अब देखिए ये जो भेजी थी दुआ है ना, वो गाना हर बंदा बोलता है, जब भी कोई नई जगह पे जाता है, अगर उसने वॉशरूम भी जाना है तो उसको नहीं पता, तो वो कहते किसे पूछूं है ना, तो वो उनका हर गाना जो है हमारे लिए, चाहे बेबी डॉल हो चाहे कोई भी, उन्होंने उनके हर गाने में कोई ना कोई मैसेज होता है। ऐसे जैसे आप मतलब, एक उन्होंने स्टेमिने पे बड़ा मैसेज दिया था, उनका गाना था कौन सा गाना था यार वो जो है, हाँ वो उनका वो गाना था ना, तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल बीच 100 बार करा, मतलब एक ये टार्जन का काम है, मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था कि अंदर बंदे की हिम्मत होनी चाहिए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो चलो अब पाजी को अंदर जाके मिलते हैं। उनका वो गाना क्या कहना, तारे मिलती जाके। हाँ, उनका जो गाना है बड़ा सुपर हिट हुआ, सबने बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जो हीरो हैं, कोई हीरो ऐसा नहीं होगा जिन्होंने डांस ना किया हो पार्टी में, पूरी दुनिया में वो गाना हिट है अपने कुमार पाजी का, तारे गिन गिन यात तेरी मैं दे जागा राता नू। और ये गाना जो है वैसे देखा जाए तो सैड सॉन्ग है, अगर उसकी ट्यून ऐसी होती, तारे गिन गिन याद तेरी मैं दे जागा राता नू, लेकिन उन्होंने ऐसा बनाया कमाल का, बहुत हिट है। तो ठीक है, उनके गाने अगर बोलते रहेंगे तो मैं केक नहीं खा पाऊंगा, तो मैं अंदर चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे पाजी। थैंक यू सर।